तो सेकेंड पार्ट इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, इंटीग्रेशन ऑफ 5x डिवाइड बाय x प्लस 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ख्याल आएगा ये तो फ्रैक्शन है। तो देन अगर फ्रैक्शन है, पहला पॉइंट क्या है कि ये क्वेश्चन ये वाला फ्रैक्शन का है। देन जो दूसरा दिमाग में आएगा, क्या ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है? तो अगर मैं देखूंगा कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर जानने का कैसे क्राइटेरिया क्या है, कि अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तब वो प्रॉपर फंक्शन होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से बड़ा या इक्वल हो तब मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ता है। क्या मैनिपुलेशन? कि न्यूमरेटर को हम लोग को डिनोमिनेटर जैसा बनाना पड़ता है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो 5x/x+1 x²+9, इसको अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूँगा तो क्या क्या आएगा टर्म्स? एक टर्म होगा ए डिवाइड बाई x+1 क्योंकि वो सिंगुलर है x+1। प्लस अब जो दूसरा वाला करने जाऊंगा, जो सेकंड कांस्टेंट जो आएंगे, यहाँ पर x²+9 है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक को मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो bx+c डिवाइड बाई x²+9 हो जाएगा। फिर वो जो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x+1 x²+9, ऐसे करके हम लोग ये टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पार्शियल फ्रैक्शन का। सो आई होप तुम लोग सब कवर कर लोगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन x-a। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा, अगेन ये फ्रैक्शन है लेकिन यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूलाज काम आएगा। अब आते हैं ऊपर में साइन एक्स। तो जनरली हम लोग जब कोई क्वेश्चन में साइन एक्स हो तो हम लोग कॉस एक्स ढूंढते हैं। अगर कॉस एक्स हो डिफरेंशियल कॉस एक्स साइन एक्स कहीं ना कहीं से आएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे में जो डिनोमेटर है वो है साइन x-a। अब ये साइन x-a मेरा जो ख्याल आता है देखने से, सो वी थिंक ऑफ साइन ऑफ a-b। एंड साइन ऑफ a-b का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन a-b का। तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर जो है मेरा दो टर्म मतलब बड़ा हो जाएगा, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि अगर यही चीज़ अगर न्यूमरेटर में होता तो हम लोग इजीली सेपरेट कर पाते, लेकिन डिनोमिनेटर में रहने से हम लोग कुछ सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो करना क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, वो है लेट x-a इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर x-a इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ x-a इज 1 और t का डिफरेंशियल होता है dt dx, तो मैं डायरेक्ट dx को इधर लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, तो डी एक्स इक्वल डी टी आया। तो अगर मैं अभी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो मेरा आई विल बी इक्वल टू साइन, अब मुझे एक्स को रिप्लेस करना है तो एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में क्या देख रहा हूँ x-a इक्वल टी, तो उसी एक्स की जगह पे मैं लिख दूंगा t+a फ्रॉम द एक्सप्रेशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन वी हैव इन हियर। देन डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे साइन टी और ये हो जाएगा डी टी। नाउ अब मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, अब जो फॉर्मूला यूज करूंगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दूंगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन टी कॉस ए फिर कॉस टी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन टी। आई होप इसके बाद तुम वो सॉल्व कर पाओगे। तो नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो इसको सेपरेट करने से एक आ जाएगा कॉस ए, दूसरा जो टर्म हो जाएगा वो है कॉट टी साइन ए।
तो ये जो कॉसे और साइने हैं, तो इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो हमेशा याद रखना है कि मैं जितना भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमेशा एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली वाई भी होता नहीं है। तो ये जो ए बी सी ये सब जो है ये सब कांस्टेंट है। तो कॉसे कांस्टेंट, साइने कांस्टेंट, तो जैसे हम लोग 2, 3, 4 को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही कॉसे साइने ये सब को हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर 5 log x माइनस ई टू द पावर 4 log x डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 3 log x और माइनस ई टू द पावर 2 log x। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल लॉग के बारे में मुझे एक चीज़ जानना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये लोग दोनों आपस में इन्वर्स फंक्शन है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है लॉगरिथमिक। सो यहाँ से मुझे एक प्रॉपर्टी जो है वो जानना होगा कि ई टू द पावर अगर मैं लॉग एक्स लिखता हूँ, तो सिंस ई और लॉग दोनों आपस में इन्वर्स फंक्शंस है तो ये बेसिकली बन जाएगा एक्स। सिमिलरली जैसे हम लोग करते हैं साइन इन्वर्स और साइन, यहाँ पर कर दिया थीटा तो साइन इन्वर्स साइन गया तो बेसिकली आया थीटा। सो दैट्स हाउ इट इज़ कि अगर इन्वर्स फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ दो इन्वर्स फंक्शन करेंगे तो हमारा वो आइडेंटिटी होता है। तो ई टू द पावर लॉग एक्स तो वो बेसिकली एक्स आया। लेकिन यहाँ पर ये जो चार टर्म्स यहाँ पर ई टू द पावर 5 log x, ई टू द पावर 4 log x, तो इसको मैं बस एक ही दिखाऊंगा, ई टू द पावर 5 log x। इसको मैं क्या कर दूंगा, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर मैं लिखा ए लॉग एक्स लिखा तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पावर है ये पावर बेसिकली ये जो ए दिख रहा है जो लॉग के आगे जो ये ए है, तो इसको हम लोग लॉग के अंदर डाल सकते हैं। लॉग के अंदर डालने से वो क्या बन जाएगा, वो पावर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या दिखा था, ई टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पर ई और लॉग के बीच में एक टर्म है दैट इज़ 5। तो उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो ई टू द पावर लॉग लॉग ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, मतलब एक्स के ऊपर में 5 हो गया। तो अब और ई और लॉग वो हट जाएगा तो बचेगा मेरा एक्स टू द पावर 5। तो ये होगा एक्स टू द पावर 5, तो यहाँ से आएगा एक्स टू द पावर 5, यहाँ से आएगा एक्स टू द पावर 4, फिर यहाँ से आएगा एक्स क्यूब और फिर यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर। आई होप इसके बाद हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को। सो प्लीज़ डू दैट बाई योर सेल्फ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी जो क्वेश्चन में जाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या है, सेकंड, ओके, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज में किया है। कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x, जैसे कुछ देर पहले मैंने जैसे बता रहा था, जब अगर एक्सप्रेशन में अगर प्रॉब्लम में साइन एक्स देखे तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ कॉस एक्स है कि नहीं। तो यहाँ पर इजीली दिख रहा है कि ऊपर में क्या न्यूमरेटर में क्या है कॉस एक्स, तो मैं ढूंढूंगा साइन एक्स है कि नहीं। सो डिनोमेटर में इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मुझे पूरा दिख रहा है 4 माइनस साइन स्क्वायर x, तो मैं 4 माइनस साइन स्क्वायर x को फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ साइन एक्स को फोकस करूँगा क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो अगर ये बात है उसका मतलब फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, उसका मतलब मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। तो जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली बन जाएगा डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 4 माइनस t² ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। और ये देखा हुआ ही है बेसिकली, इसका एक फार्मूला है एंड द फार्मूला इज 4 की जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर और टी स्क्वायर की जगह पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है वो है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो आई होप इसको भी तुम लोग कंप्लीट कर लोगे। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो करना क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं मुझे क्या दिख रहा है कि साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे ये आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है न्यूमरेटर में, क्योंकि साइन टू द पावर 8x है। तो अगर मेरा ए हो जाएगा साइन टू द पावर 4x और बी हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। तो ये एक्सप्रेशन लाने के बाद भी हमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। तो ये और ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो इसको अभी मैं लिख सकता हूँ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कुछ जाना पहचाना सही है ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो वो बन जाएगा 1। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन मिलता है। अब क्या करना है, तो बेसिकली वो तो 1, ये तो 1 बन गया। अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये जाना पहचाना ही है, हमें ये जानना होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कॉस 2x। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब उल्टा कर रहा हूँ। तो अगर उल्टा कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बन गया माइनस कॉस 2x। तो इतना ये आगे वाले का तो कुछ सोच नहीं आ रहा है कि इसको करेंगे क्या। यहां तक हुआ, अब क्या करना है। तो नाउ अब मुझे डिनोमिनेटर के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर मैं ये 1 को कुछ ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है। अब इसको मैं स्क्वायर कर दिया, -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्क्वायर करने के बाद उसको तो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो उसको एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, साइन टू दी और 4x प्लस कॉस टू दी और 4x कॉस 2x डिवाइडेड बाय, तो एक्सपेंड करने से मेरा ए स्क्वायर होता है, मतलब साइन टू दी और 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी और 4x -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे ये दिख रहा है कि 2 sin² x cos स्क्वायर एक्स और +2 sin² x cos स्क्वायर एक्स वो कट जाएगा। और कोई सिंपली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डिनोमेटर में क्या है, साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, और न्यूमरेटर में वही टर्म है। तो उन दोनों का मैं अगर कैंसिल करूँगा तो मेरा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस ये कॉस 2x डी एक्स, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, बिकॉज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x होगा, लेकिन और एक एडिशनल टर्म होगा वो होगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का।